अच्छा जी, मैं आज रेस्टोरेंट डिपू जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो है जहाँ रेस्टोरेंट सी शॉप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स जो या स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो ही मेंबरशिप ले सकते हैं और वो अपने फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपना कार्ड बारो करने देते हैं। हर किस्म का मीट मिल जाता है, हर मतलब रिलीजन और कल्चर के हिसाब से जो होता है ना वैलिड वो मिल जाता है, क्योंकि जो होते हैं उनके लिए कोसर हुआ हुआ मीट, मुसलमानों के लिए हलाल और काफ़ी चीज़ें। मैंने कहा चलो आप लोगों जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, आज देखते हैं क्या। अच्छा जी, अपने साथ अपर भी लेके आना होता है क्योंकि यहाँ अंदर कूलर होते हैं, फ्रीजर्स होता है तो ठंड लगती है। आइडियल तो ये है कि आप ग्लव्स भी अपने साथ लेके आओ और ये बाइक कार्ड्स पड़ी होती हैं इनको ले जाओ, एक ले लो और साथ ताकि सामान वगैरह इसके ऊपर रखो जिस तरह उस बंदे ने रखा है। ये देखें वो लेके जा रहे हैं, पूरी की पूरी बहन आई हुई है बाहर के। ये एंट्रेंस है, ये बाहर मेरे ख्याल से इन्होंने डील्स वगैरह लटकाई हुई है। ये देखें जी, बनानास 49 का ये वाला। आ जाए पहले आपको इस साइड पे फ्रीजर में ले जाते हैं। ये क्या भाई, नेचर्स फार्मेसी लेमन्स। ये चेक करें कितना बड़ा बड़ा लेमन है इनके पास। फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बर्गर्स एंड फिली स्टेक्स, हर चीज़ है इनके पास। ये देखें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ पड़ी है। ये चीज़ है सारी मुख्तलिफ किस्म की लगी हैं। ये क्या, ये पूरे का पूरा बकरा है या स्लॉटर डेट? स्लॉटर डेट भी इन्होंने बताई है। ये है क्या, लैम है, होल बोन इन लैम। ये इस साइड पे हलाल आ गया जी, ये देखें हमने लेनी है जी हलाल चिकन का। एक नगेट्स उठा लेते हैं। और एक ले लेते हैं जी पैटी। और वो विंग्स वगैरह भी पड़े हैं। इस साइड पे हलाल गोश्त पड़ा हुआ है।
दूसरे भी पड़े हैं, ये भी हलाल ही है। ये देखें हलाल चिकन, होल चिकन 178 पर एलबी है, पूरी की पूरी चिकन होती है, उसकी स्किन भी नहीं उतरी होती। और हलाल चिकन लेग्स 14, ये 63 सेंट पर एलबी है। और ये इनके जो प्राइसेस होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं दिन ब दिन। और चिकन थाए है जी, मीट रॉ 164 बोनलेस, हलाल रैंडम बोनलेस ब्रेस्ट, पता नहीं रैंडम कुछ है। ये रहा जी बीफ, ग्राउंड बीफ इन्होंने कीमा बनाया हुआ है उनका, 443 पर एलबी। सारा लाल बीफ ही है। और ये देखें हॉट डॉग्स लाल, बीफ बेकन हलाल, फ्रेश पोर्क लगा हुआ है, फ्रेश पोर्क। अब इस साइड पे सारी फिश है, ये देखो फिश के क्लैम्स, सारे क्लैम्स कटी हुई मछली, लॉबस्टर्स, ये देखें जी श्रिम्प 899 पर है। ये ऊपर मछलियां पड़ी हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये पीना चाहिए। साइड पे सारे योगर्ट्स वगैरह हैं, वो नेकेड ड्रिंक्स, ये अंडे हैं 80 है, वो है 4759 की। ये ले लेते हैं योगर्ट, ठहर गया भाई जान, ठहर गए हैं। ये ऑयल हो गया ना सारे, साइड पे फ्रेंच फ्राइज मुख्तलिफ किस्म के पड़े हैं। एपेटाइजर्स ये सारे हैं, एथनिक फूड्स, सूप, मीट बॉल्स, पास्ताज वगैरह। इस साइड पे ब्रेकफास्ट फूड आ गया, ये पैनकेक्स, फ्रेंच टोस्ट, क्रोसॉन्स, आइसक्रीम एंड कुकीज, डिजर्ट्स आ गई है। इस साइड पे सारे ब्रेड्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बंस वगैरह, एक ये ले लेते हैं हैमबर्गर, और भाई की करूँ है। मार्टिना मैंगो मैं हम ना, ये मैंगो ये कहाँ से है? प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिको, नहीं नहीं, ये देखें कितना बड़ा पंखा है हवा देने के लिए इनको, ओके खराब ना हो। ये फ्रूट है सारा, लेना भूल गया, विंग्स लेने हैं। ये देखें ये रेस्टोरेंट वाले कितना लेके जा रहे हैं, ये देखें कितना है, इतना इतना रेस्टोरेंट ले लिया जाता। मुझे तो चाहिए ये विंग्स, ये ले रहे हैं। चलिए जी चलिए,
ये और चीज है। ये डिफरेंट सॉसेस बनी है। ये देखें पूरे के पूरे डब्बे पड़े हुए हैं, ये कैंडीज के चॉकलेट्स ही होती हैं, M&M, Skittles, KitKat, Mentos। बीन्स, साइड पे आटा पड़ा हुआ है, चीनी, हर चीज़ है इनके पास जो रेस्टोरेंट रिक्वायर करता है। फिर चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट एरिया पे आज रश कम था बनस्पत बाकी दिनों के, वरना तो हर वक्त रश लगा पड़ा होता है इधर। कम से कम 10-15 मिनट लाइन में खड़ा होना पड़ता, फिर आपको आपकी बारी आती है। बहरहाल